नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड डूइंग वेरी हार्ड। बच्चों तैयार हो जाइए उस मेले के लिए जिसका नाम है नॉर्सेट 2021। और आखिर आज उसकी डेट आई गई बच्चों, और वो डेट है 20 नवंबर 2021। उसकी अपने को तैयारी करनी है एक महीने के अंदर, और ऐसे धुआंधार तैयारी करनी है बच्चों कि डेफिनेटली हमें वहां तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हमारे लिए एक प्रकार का गोल्डन चांस है जिसे हमें क्या करना है, पूर्णतः उसे भूनना है सर। मतलब 100% हमें सिलेक्शन की तरफ क्या करना है सर, बढ़ना है। और हम सक्सेस की तरफ तभी बढ़ पाएंगे जब हम उसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, जी जोड़ के। अभी एक महीने भर का जो हमारे पास समय है उसमें हम जी तोड़ कर क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। चलिए बच्चों, तो आज अपन शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन सेशन का। एनक्लेक्स का पहला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे आराम से रीड आउट करिए और उसके बाद में उसका आंसर सेट करिए। फॉर हाउ लॉन्ग शुड अ नर्स मेंटेन आइसोलेशन ऑफ अ चाइल्ड विथ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। एक बच्चा है और वो किसका शिकार है सर, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का। किसका शिकार है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजियस, यानी कवरिंग ऑफ ब्रेन के अंदर क्या है सर, इन्फ्लामेशन है सर। और वो किसकी वजह से है सर, बैक्टीरियल वजह से, इसलिए इसे बोलते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। वाले बच्चों में और कितने समय तक आइसोलेट रखना पड़ता है, यानी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वाले बच्चों को कितने समय तक आइसोलेट रखना पड़ता है, उसके बारे में ये आपसे पूछ रहे हैं। हाउ लॉन्ग वी नीड अ आइसोलेशन ऑफ अ चाइल्ड विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। सबसे पहले 12 आवर आफ्टर एडमिशन, नो सर। एडमिशन के 12 घंटे बाद का आइसोलेशन पीरियड, नो सर। Until the cultures are negative, यानी जब तक कल्चर नेगेटिव नहीं आए तब तक उसे अपन आइसोलेट रखेंगे, नो सर, नो नीड। Until the एंटीबायोटिक थेरापी इज कंप्लीटेड, जब तक ये एंटीबायोटिक थेरापी कंप्लीट ना हो, नो सर। वी नीड आइसोलेशन, नीड आइसोलेशन आइसोलेशन 48 hours after the first antibiotic therapy. पहली एंटीबायोटिक थेरेपी जो आपने दी है उसके बाद में 48 hours का क्या चाहिए हमें, समय चाहिए किसके लिए सर, आइसोलेशन के लिए। We need a 48 hours duration after the antibiotic therapy. तो आपके सवाल सर आपके सामने 48 hours after the antibiotic therapy begins. किसी भी ऑपरेशन से पहले अगर व्यक्ति को या किसी भी इंफेक्टिव केस के अंदर उसे अगर फ्री फ्रॉम इंफेक्शन की तरफ ले जाना है तो आइसोलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो कब, आफ्टर द 48 hours ऑफ एंटीबायोटिक थेरापी। तो आपका आंसर क्या जाएगा बच्चों, डी। मेनिंजाइटिस में बैक्टीरियल इंफेक्शन है जो क्या है सर, फैलता है बहुत ज्यादा, तो उसे फैलने से रोकने के लिए अपन बच्चे को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। और आइसोलेट कब करेंगे सर, 48 hours ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी, यानी एंटीबायोटिक थेरेपी लगाने के 48 घंटे के बाद में उस बच्चे को अपन क्या करेंगे सर, आइसोलेट कर देंगे। नाम जाएगा डी, 48 hours आफ्टर एंटीबायोटिक थेरेपी बिगिंस, यानी एंटीबायोटिक थेरेपी शुरू करने की 48 घंटे तक। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से रीड आउट करिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। अ चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम हैज रिपीटेड रिलैप्सेस। एक बच्चा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, उन्हें बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, रिलैप्सेस हो रहा है। As the child get older, what is the most important for the nurse to help the child development? एक nephrotic syndrome का बच्चा है,
अब ध्यान दीजिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्या नाम है सर? नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स का बच्चा मान लेते हैं। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, गिवन इम्यूनो सप्रेसिव, इम्यूनो सप्रेसिव थेरापी एंड स्टेरॉइड थेरापी। यानी अगर बच्चा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का शिकार है तो उसे हम इम्यूनो सप्रेसिव और कौन सी थेरापी देती है, स्टेरॉइड थेरापी देते हैं सर। दिस थेरापी कैन कॉज वेरियस चेंजेस इन द बॉडी इमेज। जो कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या लाते हैं, चेंजेस लाते हैं। एग्जाम्पल वेट गेन, जैसे क्या क्या चेंजेस लाते हैं तो उसका अगर एग्जाम्पल अपन पढ़े हैं तो क्या नाम देते हैं सर, वेट गेन, हर्सुटिज्म। क्या है सर, वेट गेन है, हर्सुटिज्म है, मतलब बहुत सारे क्या लाते हैं, मूड चेंजेस। इस प्रकार के क्या आते हैं, चेंज आते हैं। तो फिर ऐसे बच्चों को फ्यूचर लाइफ के लिए अपन क्या सपोर्ट देंगे, देन एडवाइस फॉर पॉजिटिव बॉडी इमेज एंड पॉजिटिव थॉट। मतलब बच्चे को अपन इस प्रकार से पॉजिटिव बॉडी इमेज के रूप में बताएंगे और उसे पॉजिटिव थॉट देंगे तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे के अंदर वो जो आइडियाज आ रहे थे वो आइडियाज आना क्या हो जाएंगे सर, बंद हो जाएंगे सर। इन केस ऑफ कौन सा सिंड्रोम है बच्चों, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। पढ़ना वापिस, बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या होगा, सबसे नंबर पॉजिटिव बॉडी इमेज, एबिलिटी टू टेस्ट। क्या नाम है बच्चों, नमस्कार बच्चों। तो बच्चों अपन बात कर रहे थे, उसका नाम था अ चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम हैज रिपीटेड रिप्लेस एज अ चाइल्ड ओल्डर व्हाट मोस्ट इंपोर्टेंट नर्स हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप। यानी नर्स की प्राइमरी जिम्मेदारी क्या होती है उस बच्चे की डेवलपमेंट्स के दौरान। हमने बताया था कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स के दौरान, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स कैन कॉज वेरियस चेंजेस इन द बॉडी, चेंज इन द बॉडी। हमारे शरीर में बहुत सारे क्या करता है सर, चेंजेस करता है, नाम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स। वेरियस चेंजेस इन द बॉडी स्पेशली बॉडी इमेज चेंजेस। इसलिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स वाले बच्चों को कई बार अपन क्या देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं सर, इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी चलती है। इसलिए इन बच्चों में क्या होना चाहिए सर, पॉजिटिव बॉडी इमेज, एबिलिटी टू टेस्ट द यूरिन, मसल्स कोऑर्डिनेशन या एक्सेप्टेंस ऑफ पॉसिबल स्टेरिलिटी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चों में आपका एक ही असेसमेंट होना चाहिए, उसका नाम है क्रिएट अ पॉजिटिव बॉडी इमेज। आंसर क्या जाएगा बच्चों, उन बच्चों के अंदर जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के चेंजेज है उनके अंदर अपन स्टेरॉइड देते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर चेंजेज आते हैं। इस वजह से हमारा काम है उन बच्चों को अपन क्या देंगे सर, एक पॉजिटिव बॉडी इमेज क्रिएट करेंगे। यानी इनके अंदर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्रिएट करेंगे जिससे बच्चों में अपनी शरीर के प्रति, अपने बॉडी के प्रति क्या, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो सर। तो आपका आंसर क्या जाएगा बच्चों, ए।
अगला सवाल आपके सामने है ब्लैक बोर्ड पे, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करिए बच्चों और फाइंड आउट करिए ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। देखिए सबसे पहला नंबर, एन इन्फेंट विद माइलो मेनिंजियोसिस एडमिटेड टू द पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। एक बच्चा जिसे माइलो मेनिंजियोसिस है उसे PICU के अंदर क्या किया गया सर, एडमिट किया गया है। व्हाइल द इन्फेंट इज अवेटिंग सर्जिकल करेक्शंस ऑफ द डिफेक्ट। जब इन्फेंट इसके लिए सर्जरी के लिए वेट कर रहा होता है देन व्हाट इंपोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशंस, नर्सिंग की प्राइमरी जिम्मेदारी क्या बनती है उसके ऑपरेटिव करने से पहले जब बच्चा आपके पास होता है तो। माइलो मेनिंजियोसिस का मतलब क्या है सर? इट मीन्स अ प्रोट्रूडिंग ऑफ अ मेनिंजियस विथ अ CSF एंड नर्व। आपके शरीर के अंदर क्रिएट होना है जिसका नाम है एंटीडी, टाइप्स ऑफ एंटीडी, जिसका नाम है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या नाम है बच्चों? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ऐसे बच्चों में प्राइमरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने कई बार बताई थी, इसका नाम है कवर द एरिया। ऐसे बच्चों में प्रायोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइमरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? कवर द एरिया विथ अ नॉर्मल सेलाइन गॉज पीस, नॉर्मल सेलाइन गॉज पीस एंड देन गिव प्रॉन पोजिशंस, प्रॉन पोजिशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ शेक ट्रॉमा। यानी उस शेक को ट्रॉमा से बचाने के लिए क्या देते हैं सर? प्रॉन पोजिशन की एडवाइस करते हैं। अब देखिए ऑप्शन में, यूजिंग डिस्पोजिबल डायपर्स, नो नीड सर, प्लेसिंग द इन्फेंट इन अ प्रॉन पोजिशन। यस, बच्चे को अपन कौन सी पोजीशन में रखेंगे? प्रॉन। परफॉर्म न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, नो सर। वॉशिंग द एरिया, नो सर। तो आपका आंसर क्या जाएगा बच्चों? बी। माइलो मेनिंजियोसिस के बच्चे अगर आपके पास इंटेंसिव केयर यूनिट में बाहर से वेट कर रहे हैं तो आपका काम है उसे प्रॉन पोजीशन देना, प्लेसिंग द इन्फेंट इन द प्रॉन पोजिशन। बच्चे को कौन सी पोजिशन में रखेंगे सर? प्रॉन पोजिशन में। Place the infant in the prone positions ताकि उस शेक को अपन इंजरी होने से क्या कर सके, रोक सके सर। तो आंसर क्या बनेगा अपना? बी। अगला सवाल आपके सामने बच्चों, पढ़िए सवाल को, क्वेश्चन साहब ने क्या कह रहा है। The nurse observed that a 3-year-old child crab is a क्लैंप जॉ एंड हैविंग टॉनिक क्लॉनिक सीजर। एक नर्स ऑब्जर्व करती है कि एक 3 साल का बच्चा टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स के साथ क्या हुआ है? ऑब्जर्व हुआ है सर, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स के साथ ऑब्जर्व हुआ है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एट दिस टाइम? नर्स की प्रायोरिटी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? ध्यान दे दीजिए, ड्यूरिंग सीजर्स के दौरान फर्स्ट मेंटेन सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट, सबसे पहला काम होता है मेंटेन सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड एंड देन सेकेंड आंसर जाता है मेंटेन पेटेंट एयरवे। यानी सबसे पहला कंसर्न जाता है सीजर्स के दौरान
maintain safety of the child and then second patent airway. क्या नाम जाता बच्चों? पेटेंट एयरवे को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे ड्यूरिंग सीजर्स एपिसोड्स. मेंटेन सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंजरी, ताकि उस बच्चे को इंजर्ड होने से क्या किया जा सके सर? रोका जा सके. अब आप ऑप्शन पढ़िए. अप्लाई रिस्ट्रेंट्स. नो सर. अप्लाई रिस्ट्रेंट्स. नो सर. एडमिनिस्टर ऑक्सीजन. नो सर. प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम सेल्फ इंजरी. यस सर. इंसर्ट अ प्लास्टिक एयरवे. नो सर. तो आपका आंसर क्या जाएगा सर? सी. अ बेबी विथ टोनिक क्लोनिक सीजर एपिसोड्स. अगर किसी बच्चे को टोनिक क्लोनिक क्या है सर? सीजर्स एपिसोड्स आया है, तो उसमें हमारी जिम्मेदारी क्या होगी सर? आंसर जाएगा सर मेंटेन सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट. बच्चे की सेफ्टी ही हमारा प्राइमरी क्या होगा सर? कंसर्न होगा. सेफ्टी इज द प्राइमरी कंसर्न ड्यूरिंग द सीजर्स एपिसोड्स. सीजर्स एपिसोड में सेफ्टी हमारा प्राइमरी कंसर्न होगा सर. अगला सवाल आपके सामने है बच्चों ब्लैक बोर्ड पे. क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और अपना आंसर शेयर करिए सर. क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए क्या कहना चाह रहा आपसे और उसका आंसर सेट करिए. अ नर्स इज पीडियाट्रिक क्लिनिक असेसिंग अ इन्फेंट हू हैड अ रिविजन्स ऑफ वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट. एक नर्स वीपी शंट वाले मरीज के बारे में बात चल रही है. क्या नाम है इसका? वीपी शंट वाले मरीज को रिवीजन के लिए लाया गया है सर. What clinical finding alert the nurse that intracranial pressure is increased? इनमें से कौन सा फाइंडिंग ये इंडिकेट करता है कि आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है. राइज इंट्राक्रेनियल प्रेशर. इंक्रीज आईसीपी कैन कॉज अ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. सबसे पहला नंबर है. क्या नाम है? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. नंबर दो टेंस और बल्ज फंटनेल्स. टेंस और क्या करता है सर? बल्ज किसको करता है सर? फंटनेल्स को क्या कर देता है सर? टेंस और बल्ज. इंक्रीज आईसीपी के अंदर नेक्स्ट क्या होता है? इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. डिक्रीज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. देन इंक्रीज पल्स प्रेशर. इस प्रकार की गतिविधियां जो होती हैं वो सब क्या हो जाती है सर? बढ़ जाती है. इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सर. डिक्रीज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और पल्स प्रेशर बढ़ जाता है. प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग और फॉन्टानेंस कैसे हो जाते हैं सर? टेंस हो जाते हैं. तो अब आप ऑप्शन पढ़िए. इंक्रीज पल्स रेट. नो सर. हाइपो एक्टिव रिफ्लेक्सेस. नो सर. डिक्रीज पल्स प्रेशर. नो सर. पल्स प्रेशर तो क्या होता है? बढ़ता है सर. तो ऐसे आपके सामने टेंस द एंटीरियर फॉन्टानेंस. आपका आंसर क्या जाएगा बच्चों? डी. आपका आंसर क्या जाएगा बच्चों? डी. टेंस द एंटीरियर फॉन्टानेंस. एंटीरियर फॉन्टानेंस इंक्रीज आईसीपी में क्या हो जाते हैं? बल्ज हो जाते हैं. और क्योंकि हेड का साइज क्या होने लग जाता है? बढ़ने लग जाता है सीएसएफ की वजह से. तो आंसर क्या जाएगा? टेंस द एंटीरियर फॉन्टानेंस ड्यूरिंग द वीपी शंट. अगला सवाल से आपके सामने है सर. व्हाट टॉयज शुड अ नर्स ऑफर टू अ सिक्स ईयर ओल्ड चिल्ड्रन इन द प्ले रूम्स. छह साल के बच्चे के लिए नर्स प्ले रूम में
कौन सा टॉयज ऑफर करेगी, व्हाट टॉय शुड अ नर्सर ऑफर इन अ प्ले रूम फॉर अ सिक्स ईयर ओल्ड चाइल्ड। एक सिक्स ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए एक नर्सर कौन सा टॉयज ऑफर करेगी सर, कितने इयर्स के लिए सर, सिक्स इयर्स ओल्ड चाइल्ड के लिए एक नर्स कौन सा खिलौना ऑफर करेगी बच्चे को, प्ले नोशर, कैकस नोशर, बोर्ड गेम नोशर, सिक्स इयर्स ओल्ड चाइल्ड इज एबल टू manage a building shed। छह साल का बच्चा आराम से एक building shed को क्या कर सकता है, shed कर सकता है। इसलिए ऐसे बच्चों का आंसर क्या बनेगा सर, building a shed। तो आंसर क्या जाएगा सर, आपके सामने है building a shed यानी D। आंसर क्या जाएगा बच्चों, डी, बिल्ड अ शेड बिकॉज द बेबी इज एबल टू। छह साल का बच्चा बहुत बड़ा हो गया, इसलिए आंसर जाएगा बिल्ड अ शेड, डी। अगला सवाल से आपके सामने बच्चों ध्यान से पढ़िए, व्हाट प्रोसीजर शुड अ नर्स यूज व्हेन एलिवेटिंग द हेड ऑफ अ इन्फेंट स्पाइगा कास्ट। जब किसी भी कास्ट के वाले मरीज को हेड को एलिवेट करते हैं तो एंटायर बेड को क्या किया जाता है, एलिवेट किया जाता है। यह बात आप ध्यान देना सर, एलिवेटिंग द हेड ऑफ द इन्फेंट स्पाइका कास्ट, चेंज द पोजीशन आफ्टर एन आवर्स। स्पाइका कास्ट वाले मरीज की पोजीशंस को हाफ एन आवर में चेंज करनी चाहिए सर, नो सर। प्लेस अ पिल्लो अंडर द शोल्डर, नो सर। आपको हेड एंड को एलिवेट करना है, ध्यान देना। Pad the end of the cast with the folded diaper, no sir. Raise the entire mattress as the head of the crib, very good sir. तो आंसर क्या जाएगा सर आपका, डी, विथ स्पाइका कास्ट, ड्यूरिंग स्पाइका कास्ट, इलिवेट द एंटायर बेड, इंटायर बैड मैट्रेस, पूरे के पूरे मैट्रेस को क्या कर दिया जाएगा सर, इलिवेट कर दिया जाएगा। पूरे के पूरे मैट्रेस को क्या कर दिया जाएगा बच्चों, इलिवेट कर दिया जाएगा सर। ऐसे जाएगा इलिवेट द मैट्रेस ऑफ बैड, इंटायर मैट्रेस को क्या कर दिया जाएगा बच्चों, इलिवेट कर दिया जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा बच्चों, डी, राइज द एंटायर मैट्रेस ऑफ द बेड। अगला सवाल बच्चों आपके सामने है ब्लैक बोर्ड पे, अच्छे से पढ़िए। इन्फेंट हैज हैड एन डायरिया फॉर 3 डे, इज एडमिटेड इन द लिथार्जिक स्टेट एंड ब्रीथिंग रैपिडली। एक बच्चा है इन्फेंट जो डायरिया का शिकार है और उसे ब्रीदिंग रैपिडली का शिकार भी हो रहा है, साथ साथ में लिथार्जी भी है। द पेरेंट स्टेट दैट द बेबी हैज बीन इंगेस्टिंग अ फॉर्मूला अल्थोक्ट नॉट मच यूजुअल एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द सडन चेंजेस, व्हाट एक्सपेक्टेशन शुड द नर्स गिव द पेरेंट्स। नर्स ऐसे मरीजों में इस प्रकार से जो अचानक जो चेंजेज आते हैं उसके बारे में घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में नर्स घरवालों को क्या एडवाइज देगी सर, इसके बारे में क्या समझाएगी। ऑप्शन पहला, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म इज अनस्टेबल इन अ यंग चिल्ड्रंस, नो सर। द प्रोपोर्शंस ऑफ वाटर्स इन द बॉडी इज लेस देन द एडल्ट, नो सर। रीनल फंक्शन इज इमैच्योर इन द चिल्ड्रंस, नो सर। द एंटायर सेल्युलर फ्लूड requirement per unit of the body weight is greater than in adult, yes sir। ध्यान से देखिए,
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड्स इज अ ग्रेटर देन एडल्ट। पहली बात हो, देन फ्लूड आल्सो ग्रेटर देन एडल्ट। फ्लूड की मात्रा भी एडल्ट से क्या होती है सर, ज्यादा ही होती है। किसमें? बच्चों में। इसलिए ये चेंजेज बहुत जल्दी आते हैं कि वो फ्लूड शरीर से बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है सर। इसलिए आपका आंसर क्या बनता है? डी। इसलिए बच्चों आपका आंसर क्या बनता है? डी, फ्लूड रिप्लेसमेंट। आंसर क्या बनता है तो डी। इस प्रकार का चेंजेज इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर क्या होता है बच्चों में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ द बॉडी वेट इज ग्रेटर देन द एडल्ट। बच्चों में ये ज्यादा होता है इसलिए ये चेंजेज मिलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है सर ब्लैक बोर्ड पे। अगला सवाल से आपके सामने है ब्लैक बोर्ड पे, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ चाइल्ड सिटिंग ऑन अ चेयर इन द प्ले रूम स्टार्ट टू हैव अ टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स विच क्लैंच जॉ विथ क्लैंच जॉ द बेस्ट इनिशियल नर्सिंग एक्शन। एक बच्चा अगर चेयर पे बैठा है और उसे इनिशियली क्या हो गया है सर, एक बच्चा अगर कहां बैठा है सर, उसका नाम है, चेयर पे बैठा है और उसे अचानक से सीजर आता है, तो मैंने बताया था द प्राइमरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग सीजर्स। आंसर जाता है मेंटेन सेफ्टी, सेफ्टी एंड देन पेटेंट एयरवे। उसके बाद में पेटेंट एयरवे को मेंटेन करने की एडवाइस दी जाती है। ड्यूरिंग सीजर्स एपिसोड मेंटेन सेफ्टी एंड देन मेंटेन द पेटेंट एयरवे। अब देखिए, अटेम्प्ट टू ओपन द जो, नो सर। प्लेस द चाइल्ड ऑन द फ्लोर, यस। प्लेस द चाइल्ड ऑन द फ्लोर फॉर अ प्रिवेंशन ऑफ इंजरी। बच्चे को इंजरी से रोकने के लिए, बच्चे को इंजरी से रोकने के लिए अपन क्या करते हैं सर, इस प्रकार का यूज देखते हैं। कॉल आउट फॉर द असिस्टेंट फ्रॉम स्टाफ, नो सर। प्लेस द पिलो अंडर द, नो सर। तो आपका आंसर क्या जाएगा बच्चों? बी। सीजर्स के एपिसोड्स के दौरान प्राइमरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसका नाम क्या जाता है बच्चों? मेंटेन द सेफ्टी, इट मींस प्लेस द चाइल्ड ऑन द फ्लोर। अगर बच्चे को सीजर आ जाता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चे को फर्श पे लेटा दीजिए, बेड पे लेटा दीजिए, अगर बेड पे है तो साइड रेल को ऊपर कर दीजिए। यानी प्राइमरी जो कंसर्न बनता है वो कंसर्न कौन सा है सर? सेफ्टी। द प्राइमरी कंसर्न इज सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट्स। क्या नाम जाता है? सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट्स। अगला सवाल आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे बच्चों। What nursing intervention will be most effective to help relieve the anxiety of a young school age child during the post operative periods? एक बच्चा post operative periods में है school age की, उसकी anxiety को कम करने के लिए सबसे best nursing initial actions क्या होगा? उसकी anxiety को कम करने के लिए सबसे best initial nursing actions क्या होगा? ये सवाल पूछा जा रहा है। सबसे बेस्ट इनिशियल नर्सिंग एक्शंस क्या होगा उस बच्चे के लिए, यह सवाल पूछा जा रहा है आपसे। सबसे पहले, इंक्रीज द चाइल्ड टू टॉक अबाउट द फीलिंग्स, नो सर। एक छोटा बच्चा है वो आप उससे ज्यादा बात करोगे तो वो आपको कॉपरेट नहीं करेगा सर। हैविंग द चाइल्ड्स एंड पेरेंट्स रूम टूगेदर, ये भी अपन नहीं कर सकते। टेलिंग द चाइल्ड्स स्टोरी अबाउट द चाइल्ड विद द सिमिलर सर्जरी, नो सर। प्रोवाइडिंग अ चाइल्ड विद द स्टेराइल ड्रेसिंग इक्विपमेंट्स एंड डॉल। बच्चे को उसके ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए हम उसे इस प्रकार से स्टराइल क्या देंगे सर, डॉल और ड्रेसिंग देंगे कुछ, जिससे
उसकी एंजाइटी को अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा सर, डी प्रोवाइड अ, आंसर क्या जाएगा बच्चों, डी प्रोवाइड द चाइल्ड विद स्टराइल ड्रेसिंग इक्विपमेंट्स एंड डॉल टू रिड्यूस द एंजाइटी, टू रिड्यूस द एंजाइटी। उस बच्चे की एंजाइटी को अपने को कम करना है, उसके लिए आपको इस प्रकार से इक्विपमेंट देंगे ताकि बच्चे का एंजाइटी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या हो जाए सर, कम हो जाए सर। ये था बच्चों जिसका नाम था अपना पहला क्वेश्चन सेशन, जिसका नाम था एनक्लेक्स बी शॉन द शॉनरस। हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय।